हेलो फ्रेंड्स। सो आज हम करने जा रहे हैं कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जैन रिलीजन के ऊपर, जैनिज्म के ऊपर बेस्ड। सो लेट अस लर्न टुगेदर। हेज क्वेश्चन नंबर 1, जैन धर्म में कितने तीर्थकर हुए हैं? तो जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर हुए हैं, ठीक है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम जो तीर्थकर थे वो थे आपके ऋषभदेव। नेक्स्ट, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो 23वें तीर्थकर जैन धर्म के कौन थे? पार्श्वनाथ, ठीक है। नेक्स्ट, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर तथा मुख्य प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे महावीर स्वामी। नेक्स्ट, महावीर का जन्म कब हुआ? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 540 बिफोर क्राइस्ट BC। नेक्स्ट, महावीर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो ये होता है कुंडग्राम और वैशाली में, ठीक है, जो कि वैशाली के नियर है। कुंडग्राम, कुंडा नहीं है, ओके, कुंडग्राम। नेक्स्ट, महावीर के पिता का क्या नाम था? तो महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था। नेक्स्ट, महावीर की माता का क्या नाम था? तो त्रिशला, ठीक है। महावीर का बचपन का क्या नाम था? तो ये था वर्धमान, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट, महावीर ने कितने वर्षों की आयु में गृह त्याग दिया था, घर को त्याग दिया था? तो ये था 30 ईयर्स। नेक्स्ट, महावीर ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया था? तो ये दिया था उन्होंने प्राकृत और अर्धमागधी भी बोला था इसको, तो इसमें दिया था। नेक्स्ट, महावीर ने कितने वर्षों तक तपस्या की थी? तो उन्होंने 12 वर्षों तक तपस्या की थी। नेक्स्ट, महावीर को निर्वाण की प्राप्ति कब हुई थी? तो महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति 468 BC, जब वो 72 ईयर्स के थे, तब हुई थी, ठीक है। महावीर को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो उनको हुई थी पावापुरी, जो कि बिहार में स्थित है। नेक्स्ट आता है फिर, जैन धर्म के किन ग्रंथों में हमें महावीर के कठोर तपस्या तथा ज्ञान प्राप्ति की चर्चा मिलती है? तो ये मिलती है हमारे को कल्पसूत्र मेनली, और साथ में आचरण सूत्र, ठीक है, ग्रंथ हैं दोनों। नेक्स्ट, महावीर की मृत्यु के पश्चात जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ये था सुधर्मन। नेक्स्ट, जैन धर्म के पहले 4 जैन सिद्धांत किसने दिए थे? तो पहले जो 4 सिद्धांत दिए थे वो दिए थे इनके जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, ठीक है। फिर एक 5वां सिद्धांत जोड़ा गया था महावीर के द्वारा, ठीक है। तो ये 4 कौन कौन से थे? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह तथा अस्तेय। इसमें क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, जैन धर्म का 5वां सिद्धांत ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा, या फिर जो महावीर स्वामी ने जोड़ा था सिद्धांत उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है ब्रह्मचर्य, और 5वें सिद्धांत को जोड़ा किसने था? महावीर स्वामी ने। उसके बाद नेक्स्ट आता है, जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है, ठीक है। तो इसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक आचरण को इसके त्रिरत्न, तीन रत्न माना गया। नेक्स्ट, महावीर ने समस्त अनुयायियों को कितने गणों में विभक्त किया था? तो महावीर ने अपने जितने भी उनके अनुयायी थे उनको 11 गणों में डिवाइड किया था। नेक्स्ट, जैन धर्म किन 2 भागों में विभाजित हुआ था? तो जैन धर्म 2 मुख्य भागों में डिवाइडेड था, एक था दिगंबर, दूसरा था श्वेतंबर, ठीक है। दिगंबर जो थे वो भद्रभाव के समर्थक थे, और जो श्वेतंबर थे वो स्थूल भद्र के समर्थक थे। नेक्स्ट, जैन धर्म में कितने संगतियाँ हुई है? तो जैन धर्म में बेसिकली 2 संगतियाँ हुई है। नेक्स्ट, जैन धर्म ग्रंथों की रचना किस भाषा में हुई है? तो जैन धर्म ग्रंथ जो थे इनकी रचना सिंपल प्राकृत भाषा में हुई थी, और ये जो जैन ग्रंथ थे, ठीक है, इनको पूरव या आगम भी बोला जाता था। नेक्स्ट, मुख्य जो जैन ग्रंथ हैं वो कौन कौन से हैं? परिशिष्ट पर्व, आचरांग सूत्र, कल्प सूत्र, भगवती सूत्र एंड भद्रबाहु चरित्र, ठीक है, चरित्र। नेक्स्ट, जैन तीर्थकरों का जीवन जो था, जीवन चरित्र में किस ग्रंथ में मिलता है? तो हमें मिलता है कल्प सूत्र में। अगला क्वेश्चन, कल्प सूत्र किसने, कौन है इसके रचयिता, कौन है? तो ये भद्रबाहु, ठीक है। नेक्स्ट, मल्लिनाथ, मल्लिनाथ एकमात्र स्त्री थी जिन्हें जैन तीर्थकर माना गया है, उनका नंबर था शायद 19th, ठीक है। महावीर स्वामी को जैन धर्म का संस्थापक नहीं, तो इसलिए अगर संस्थापक पूछा जाए तो इसका आंसर महावीर नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा ऋषभदेव, बल्कि प्रवर्तक माना गया है। तो
तो इट्स गाइस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बेस्ड थे जैनिज्म के ऊपर, ठीक है। अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा तो इस इनमें से एक होगा होपफुली, ठीक है। सो कीप लर्निंग विद दिस, यू कैन सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।